डेप्यूटी मेयर और सीनियर डेप्यूटी मेयर के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें राजीव सरोहा को सीनियर डेप्यूटी मेयर और मंजीत गहलावत को डेप्यूटी मेयर चुना गया है। विजेता रहे दोनों ही उम्मीदवार कांग्रेस समर्थित हैं। इस दौरान विधायक सुरेंद्र पवार और मेयर निखिल मदान ने कहा कि यह कांग्रेस की बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता बीजेपी सरकार से दुखी है और बड़ा बदलाव चाहती है। ऐसे में आने वाला समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। बीजेपी का बहुमत था, उसके बावजूद कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीतना, इससे ये सीधा ये संकेत जाता है कि आज बीजेपी के प्रति लोगों का मोह भंग हो चुका है और यहाँ तक के चुने हुए प्रतिनिधियों का भी मोह भंग हो चुका है और वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जो है देख रहे हैं। और आज पूरे हरियाणा के लोग चुनाव के इंतजार में है कि किस समय चुनाव हो और वो बीजेपी को चिंता करें और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार लें, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार लें। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ है, जो भी उसकी प्रक्रिया है पूर्ण तरीके से ध्यान में रखते हुए विद कैमरा रिकॉर्डिंग कमरे रूम को सील करके हर चीज का पूरा इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस को लेके आरओ लगाकर सब कुछ करके आज ये चुनाव हुआ है। सबके सामने ओपन चुनाव हुआ और बड़ा क्लियर, और सबसे अच्छी बात यह है बड़ा शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है। चाहे बेशक बीजेपी के पार्षद हैं चाहे कांग्रेस के पार्षद हैं, बड़े आपसदारी में अच्छे से निभा कर बैठे हैं और चुनाव बड़े शांतिपूर्वक हुआ है। तो इस चीज के लिए मैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी धन्यवाद करता हूँ। और साथ में आज हमारे सीनियर डिप्टी मेयर राजीव सरोहा जी और डिप्टी मेयर भाई मंजीत गहलावत चुने गए हैं, तो मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले मैं अपना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एमपी भूपेंद्र जी और हमारे विधायक सुरेंद्र पवार जी, हमारे मेयर निखिल मदान जी और हमारे सभी पार्षदगण और आपका और सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जहाँ तक काम की बात है, जो शहर के अंदर जो बेसिक चीजें हम पहले उन पर रिक्वायरमेंट करेंगे, जैसे बिजली है, पानी है और जो लाइट की है, हमारे सबसे जो बेसिक चीज़ें पर इन पर करेंगे फोकस। उसके बाद डेवलपमेंट में हम थोड़ा रूरल पे भी ध्यान देंगे, जो कि थोड़ा कम होता था, तो हम सब इक्वल लेके चलेंगे। हमारे मेयर साहब से इसका हम जैसे सलाह देंगे उनके साथ में चलेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और हमारे माननीय विधायक जी सुरेंद्र कुमार जी का, मेयर निखिल मदान जी का, हमारे सभी पार्षदों का धन्यवाद जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आज यहाँ जीत कर आए हैं। और उसके बाद हम शहरवासियों को जो भी समस्याएं होंगी, जो आधारभूत समस्याएं हैं, जैसे सीवर पानी की समस्याएं हैं, गलियों की समस्याएं हैं, लगभग हम उनकी समस्याओं पर काम कर भी रहे हैं और आने वाले टाइम में हम पुरजोर तरीके से उस पर काम करेंगे।